अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम स्कॉलरशिप के ज़रिए कैसे बैकलिंक बना सकते हैं। ये मैंने बैकलिंक बनाया है 8 डोमेन से। सिर्फ अभी तक मैंने 12-13 यूनिवर्सिटीज़ को भेजा है स्कॉलरशिप का। तो चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने एक पेज बनाना है, मिसाल के तौर पर ये, चाहे आप मेरे ही कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, ये इधर पेस्ट करें और इधर अपनी कुछ पोस्ट को लिंक अप कर दें, मिसाल के तौर पे जिनको आप रैंक करना चाहते हैं सिर्फ वो लिंक कीजिएगा, क्योंकि ये जितने बैक लिंक मिलेंगे वो सारा लिंक जो उधर पास करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं फीफा 18 डाउनलोड के कीवर्ड रैंक करना चाहता हूँ, तो इधर मैं लिखूँगा फीफा 18। ये अच्छा, इधर मैं थोड़ी राइटिंग करूँगा, टॉप गेम वेब स्कॉलरशिप पेज रेडी हो गया, इसे पब्लिश करेंगे। अब हमें ज़रूरत है एक ईमेल की। ईमेल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जू को। बिजनेस ईमेल करके आपने इधर से साइन अप करना है। फ्री प्लान, इधर आपने लिखना है स्कॉलरशिप्स, इधर आपने नंबर लिखना है।
इसके लिए आप अगर आपके पास नंबर मौजूद नहीं है तो टैक्स नाउ वगैरह सर्विस इस्तेमाल कर लें, वेरीफाई कर लें। अब आपने अपना डीएस मैनेजर खोलना है, डीएनएस। मेरी तो क्लाउड फ्लेयर के ऊपर होस्ट है इसलिए मैं क्लाउड फ्लेयर खोलूँगा। अच्छा जी, वेरीफाई पर क्लिक करें। इस पे थोड़ा टाइम लगता है, हम दूसरा को मैथड ट्राई कर लेते हैं। शुक्र है, हो गया स्कॉलरशिप्स।
अच्छा ये अब आपने डालने हैं। MX सेलेक्ट करें ये प्रायोरिटी 10 सेव। पहले अगर कोई हो तो उसे डिलीट कर दें, सिर्फ ये दो रहने चाहिए एमएक्स के मेल सर्वर के। नेक्स्ट अब ये ऐड करना है। इनका ये फ़ायदा है कि आपका कोई भेजा हुआ ईमेल किसी के स्पाम में नहीं जाएगा। ऐड कर दें और इधर वेरीफाई का बटन होगा उसके ऊपर क्लिक कर दें। मैंने पहले कर दिया हुआ है, असल में उस वक्त वीडियो स्टार्ट थी और पॉज थी तो इसलिए आपको दिखाने के लिए दोबारा। और फिर बैक सेट टू सेटअप ये डिटेल सेव कर लें। इसको आप विंडो की ऐप वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाल के तौर पे। इधर पासवर्ड दे दें, मैं पासवर्ड नहीं लगाऊँ। अच्छा जी मेरा ईमेल आ गया। अब इधर मैं टेस्टिंग के लिए अपने ईमेल पे भेजता हूँ।
ये देखें ये आ गया ईमेल जो मैंने सेंड किया था। अच्छा अब एक ईमेल इससे सेंड कर चेक कर लेते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं। न्यू ईमेल ये देखें ये हमारा इस वक्त काम कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी जगह हमारा वो शो हो, तो इसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग पे जाएं और फिर सेंड मेल एज पे क्लिक करें। रेडी पे क्लिक करें। इधर ये लिख दें या ये लिख दें। हाँ अच्छा, अब ये टेम्पलेट है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। इधर आपने अपना नाम लिखना है, इधर स्कॉलरशिप का नेम, इधर यूनिवर्सिटी का नेम और इधर उनका पेज का लिंक इस जगह पे जहाँ पर वो स्कॉलरशिप अपनी पोस्ट करते हैं, और ये आपका स्कॉलरशिप का पेज, और यहाँ पे आपने वो जो डेडलाइन वगैरह लिखी हुई है, ये बेहतर है, ये चेंज ना करें। अच्छा अब हम सेंड करते हैं, तो मैं ये टेम्पलेट इस्तेमाल करूँगा। ये होगा मेरा टाइटल और ये होगा मेरा ईमेल। ओह सॉरी, अच्छा ये हो गया। अब ये मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था, शायद आपको याद हो, ये ब्लॉगर्स फंडा में किसी अच्छे एडमिन ने पोस्ट किया था, मुझे उसका नाम याद नहीं। अच्छा ये आप चलाएं,
इन वेबसाइट्स को पर मैंने वो गेम सॉल्यूशन के जरिए अभी तक सिर्फ सेंड की है आउटरीच के लिए, देखिए बाकियों का अभी तक मैंने तलाश भी नहीं किया स्कॉलरशिप पे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं तो खुद कर रहा हूँ, आप मैं तरीका बताऊँगा कि कैसे तलाश करना है। इधर से आप उनका ईमेल लें, टू में डालें, और ये स्कॉलरशिप का पेज ये आप डालें, जगह डाल दें, और इधर यूनिवर्सिटी का नेम, और इधर अपनी स्कॉलरशिप का नाम, इधर स्कॉलरशिप पेज, अच्छा अब आपने ये सेंड कर दिया। देखें अब आपका सेंड हो गया। चलो एक दोबारा कर लेते हैं, मेरे ख्याल से पिछले वाले को कोई प्रॉब्लम बन गया। ये लिया ये, और इसका टाइटल हम रखेंगे ये, इधर आपने उसका नाम लिखना, ये मैं भूल गया था, ये इधर नेम लिखना उसका, और सेंड करना। मेरे ख्याल से वो मेल सेंड हो गई थी इसलिए उनका ये रिप्लाई भी आया, शायद ये ऑटो जनरेटेड है। अच्छा तो
आप ये सेंड कर दें, आपको उनका रिप्लाई आया, मतलब आपका मेल काम कर रहा है। अच्छा तो एक बात, ये तो सिर्फ 12 तक ही फाइंड किए हैं, ये मैंने कैसे फाइंड किए ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ, आपने गौर से देखना है। ऐसे आपने ये लेना है, ये साइट की पल्ट लिखें और लिखें स्कॉलर ये पेज है जहाँ से ये आपने देख लेना है, जहाँ पर दूसरे लोगों की स्कॉलरशिप्स वगैरह हो ना वो वाले, ये देखें इतने ज़्यादा लोगों ने किया। अच्छा तो ये लिंक लें, तो मैं इधर सेव कर लें फ्यूचर के लिए। तो ये लिंक आपने दे देना है अगली दफ़ा। चलो अल्लाह हाफिज़। मेरे ख्याल सारा कुछ जो बताने वाली चीज़ें थी वो बता दी, अगर फिर भी कोई बात पूछनी हो तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, उसकी ये 9th वीडियो है, अगर आपने पुराने वाली देखनी है तो वो मेरे ग्रुप के अंदर पोस्टेड है। पर्सनली कोई बात करनी हो तो आप मेरी प्रोफाइल है इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको दिखा दूं जो मैंने पहले सेंड किए थे अपने पुराने वाले से। ये रिप्लाइज वगैरह हैं, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग, और ये मैंने सेंड किए थे। ये आपको दिखा रहा हूँ कि मैं हमेशा वो चीज़ कहता हूँ जो मैंने की हो और कामयाबी मिली हो। अल्लाह हाफिज़ देखने के लिए, ओह सॉरी, शुक्रिया देखने के लिए और अल्लाह हाफिज़।